That is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. Question mein chal raha hai abhi. Please. अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे. चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं. आज आप शॉर्ट में जवाब देना. अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है. मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए. देश की प्रजातंत्र में चुनके मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है. मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को. बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा. साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर. मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ. बाकी रहा, मैं सर आपकी सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर. जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे. उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना. सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए. क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा किया, किसके दबाव में उठा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था? सच सुनने की सामने ही है ये. मैं किसी की विद्वत्ता पे प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, ये हमको प्रश्न पूछते हैं.